दोस्तों, गलतफहमी जब सर पे चढ़ जाती है ना, तो वो खुमार, घमंड, पागलपन ही कहलाती है। इस समय अरबाज पटेल, जो कि बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं, अपने आप को बिग बॉस की सबसे आइकॉनिक जोड़ी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ऐसा करने पर लोग उनको अप्रिशिएट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम गणेश कांदू है। फिलहाल अगर मैं बात करूं अरबाज पटेल का, बिग बॉस के घर के अंदर जो गेम रहा है वो निक्की तंबोली के इर्द गिर्द ही रहा है और निक्की तंबोली के साथियों मिलकर खेले हैं। कभी उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाई ही नहीं दी। एक छत्र छाया में रहकर जो उन्होंने खेला निक्की के, वही उनका गेम दिखा। ऐसे में बाहर आकर अरबाज पटेल जो है वो ये कहते हैं कि उनकी जोड़ी, उनकी और निक्की की जो जोड़ी थी वो एकदम सिद्ध और नास की जैसे दिखाई दी, यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जैसी दिखाई दी, जिसके बाद आप खुद जानते हैं, मैं तो क्या ही कहूं, ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इनकी बैंड बजना शुरू हो गई है और वो भी नेक्स्ट लेवल पे। मतलब जैसे ही ये स्टेटमेंट्स बाहर आई हैं, जैसे ये बातें सामने आई हैं कि अरबाज पटेल अपने आप को सिद्धार्थ की जोड़ी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनके और निक्की तंबोली के बॉन्ड को, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर कहीं पर किसी ने भी, जितने भी सिद्धार्थ फैंस हैं, जितने भी सिद्धार्थ फैंस हैं, उन्होंने कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ी है इनकी बैंड बजाने में। और कुछ कमेंट्स अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो कोई लिखता है कि भाई कुछ भी बोलता है ये, कोई लिखता है किसी को उठा के कहीं से भी जोड़ दो और वो दो आइकॉनिक बॉन्ड बन जाएंगे कुछ भी, कोई लिखता है चुप कर जा भाई कौन सा नशा कर रहा है, कोई लिखता है कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा सबको गाली देने का मौका मिलेगा, कोई लिखता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, कोई लगता है भाई अरबाज अभी भी बिग बॉस के घर से ठीक से बाहर नहीं आया है इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहा है। फिलहाल इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में, ज़रूर बताएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। धन्यवाद।